सब लेजिट गैंग और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं दीप कलसी और रफ्तार के ट्रैक पर yes. जिसका नाम है इमेज और ईपी का नाम है विनर सर्कल yes. और हां गाइस अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम यहां पे कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं जो कि सिर्फ रियल हिप हॉप को सपोर्ट करती है और रफ्तार भाई कलमकार के साथ मींस खतरनाक भाई बिल्कुल खतरनाक वाइब्स एंड दीप कलसी की ईपी रिलीज हो रही है बहुत दिनों बाद आ रहा रफ्तार का गाना मेरे हिसाब से रफ्तार का भी और दीप कलसी के साथ वाला भी हाँ तो लेट्स गो मैन चेक करते हैं क्या है ट्रैक में अगर आपको अच्छा लगे रिएक्शन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना तो लेट्स गो आई डोंट वांट टू अंडरएस्टिमेट दिस गाय ओके मैक्सिकन एक्सेंट ओह ग्राइम भाई ग्रिम ग्राइम ओके इज्जत कमाई है यार ने ओके बिना गाऊं मेरे बाबा नी कराई यार ने रहे डंडे ताही इज्जत कमाई यार ने जिनू देख लो की बनन दा कर दे ट्राई कहते एदा दी ही इमेज बनाई यार ने मेरे बाबा नी कराई यार ने रहे डंडे ताही इज्जत कमाई यार ने जिनू देख लो की बनन दा कर दे ट्राई कहते एदा दी ही इमेज बनाई ओ भाई साहब लाइन भाई बंदा आइडल बन गया ब्रो आइडल वाला स्टेटस है अब तो भाई उसकी तरह बनना चाह रहे हैं ओह माय गॉड सेक हुक भाई मीनिंगफुल बहुत सही है ना लेट्स गो मैन देख लो की बनन दा कर दे ट्राई एदा दी ही इमेज बनाई यार ने आंदा मजा जद टकरे बराबर दा माड़े उत्ते जोर नहीं दिखाईदा बराबर वालों से पंगा ले गए Yes. वो आए पंगा मजा लेने में तभी मजा जब बराबर का हो बंदा छोटे मोटो से नहीं ब्रो इज्जत नहीं गंवानी छोटे से पंगा लेने की ऐसे कुछ बोला ना बहुत सही भाई कृष्णा भी आ गया भाई वीडियो में मजा जद टकरे बराबर दमाड़े उत्ते जोर नहीं दिखाई दा जिद्दा दी करनी है मिल नेवर कृष्णा की आवाज मेहनत दा करके ही खाई दा चेंज कीता सीन चेंज होए ना करवा काही नहीं जिथे साडी रेंज होए ना कटा एदा हुंदा ना रेंज होए ना गल मुकदी है साडी यार पार ते बिना गाऊं मेरे रावा नी कराई यार रे रहे डंडे ताही इज्जत कमाई यार रे जिन देख लो की बनन दा कर दे टराई कहंदे एदा दी इज्जत बनाई यार रे हाय ब्रविश आ गया इज्जत कमाई यार रे जिन देख लो की बनन दा कर दे टराई मिलने की बात होती लौंडे होते पेश नहीं ये तो जयंत को शॉर्ट लग रहा है क्योंकि दिल्ली में मिलेंगे दिल्ली मिला के और जयंत को शॉर्ट है जानता है और वैसे भी नॉर्मली की कोई भी है भसड़ आ जाओ भाई दिल्ली में अगर होगी तो भाई मिलेंगे नहीं खाली ऑनलाइन बकवास करेंगे मिलने नहीं आएंगे और रॉक्सी को भी हो सकती है वी डोंट नो इसको तार तेज है तो तुम नफ्तारी नाम है तो मेरे से तेज नहीं हो सकते लेट्स गो तेज नहीं मिलने की बात हो तो लौंडे होते पेश नहीं शेर वाली जात भागे कुत्तों वाली रेस नहीं जहां पड़ा वहीं खड़ा छोड़ा मैंने देश नहीं गड़ा मेरा सीन में बॉस आसमान का पर जुड़ा मैं जमीन से उठा मैं जमीन से मैं बड़ा पेड़ मेरे बागबान का हवा मेरी इज्जत पे तो सौदा तेरी जान का ये खड़े कंधे चार बहुत सही भाई बागबान का सबसे पुराना पेड़ और सबसे मतलब बड़ा और मजबूत बिल्कुल न्यू खाड़ पाओगे दूसरा ये है कि भाई कह रहा है कि अगर इस जगह बात तो जान तेरी जान चली जाएगी अच्छा उसकी जान चली जाएगी अगर मेरी इज्जत हट जाए तेरे को मार दूंगा है ओके ओके जान भी दे देंगे नहीं जान ले लेंगे वाला सीन है खतरनाक लेट्स गो मैन गड़ा मेरा सीन में बॉस आसमान का पर जुड़ा मैं जमीन से उठा मैं जमीन से मैं बड़ा पेड़ मेरे बागबान का हवा मेरी इज्जत पे तो सौदा तेरी जान का मेरे पे धावा बोला तो इस सौदा तेरी जान का हाँ मतलब मेरे बाय तो मेरे या तो मेरी गैंग या मैं ही लपेट दूंगा बड़ा पेड़ मेरे बागबान का हवा मेरी इज्जत पे तो सौदा तेरी जान का तेरे लिए खड़े कंधे चार कलमकार करूं तेरा बार भागे तेरे कंधे खड़े ब्रो मतलब अर्थी जाएगी ब्रो ओ भाई साहब रफ्तार का ये फ्लो डिफरेंट है थोड़ा हाँ और बातें भी बातें भी यस लेट्स रफ्तार पाजी कह रहे थे कि वो मतलब स्विच करेंगे मतलब थोड़ा नया आपको रूप दिखेगा तो ये नया रूप है लेट्स गो मैन तेरे लिए खड़े कंधे चार कलमकार करूं तेरा भरम भार भागे तेरे नरम यार जो भी लूं मैं तेरे ओदे भार लूं पहले ओदी मार लूं फिर मैं ओडे मार लूं पौड़ियां दे मांग यार ओडे क्या हुआ पता नहीं यार पहले ओदी मार लूं फिर ओडे मार लूं ओडे ओडे नहीं पता भाई ओडे का मतलब हाथ से तो घुसे है ना घुसे तो कुछ दिखा रहा था
ओड़े मार लू का मतलब बताना हमें नहीं पता, पहले ओडी मार लू फिर मैं ओड़े मार लू। पौड़ियां दे वांग यार किते नी टेप कलसी भाई दे बड़े लोकां दे कराए ने जिन्ना नाल निबे उना नाल खड़े सदा वादू हासे नी बगाने आना पाए ने सर्कल छोटे पर वड्डी गल बात हुई यार दी सी कल मेरा छुट गया हाथ माड़ा हुण करे घबराड़ पाके डिग्गी विच फिल्म बनाई यार ने भाई खतरनाक। और मेरे को वो मतलब लगी, एक तो वो वाली भी मस्त लगी जो उसने मतलब पेड़ का रेफरेंस दिया और ऊपर से उसने बोला कि मैं जमीन से आया हूँ, एक तरीके से मैं नीचे से था और ऊपर तक आ गया हूँ, तो वो पेड़ से उसने रेफरेंस करा, मेरे को बहुत सही लगा भाई रफ्तार की वर्स। और दीप कल सी मैन म्यूजिक भी उसी का होगा पक्का, इतना तो पता है, म्यूजिक तो खुद में लिरिक्स लिरिक्स भी बहुत मस्त है। और इस बार थोड़ा गैंगस्टर मोड भाई, मतलब अटैक मोड पे है कि आओगे तो पेल दिए जाओगे, बिल्कुल जैसे वो हो रखा है ना जब से वो कौन सा था वो कर्मा का गूगल पे, गूगल पे तो वही सीन है ब्रो। और रफ्तार ने जैसा बोला कि वो स्विच करेंगे तो वो दिख रहा है, दिख रहा है, फील भी हो रही है और मजा भी आ रहा है ब्रो, बिल्कुल मजा आ रहा है, नया होना चाहिए और ये अच्छा नया पर मजेदार है, हाँ वही बुरा नहीं है मतलब, हाँ मजा आ गया भाई गाने में। और थोड़ी ना मेरे को शुभ वाली वाइब्स भी आई, हाँ है ना, हाँ। पर मैं ये नहीं कहता कॉपी करा होगा या कुछ करा होगा, क्योंकि ये गाना पहले ही बन गया होगा शुभ के ट्रैकों से, इतना तो मुझे पता है जहां तक मुझे लग रहा है, बिल्कुल क्योंकि एल्बम का काम भाई पहले हो जाता है, ईपी वगैरह का आराम आराम से ड्रॉप होती है और लेन का कह सकते हो, पर ऐसा नहीं है कि उसको उठा के छांटो, ऐसा नहीं, पर वाइब्स हैं ब्रो बहुत अच्छी, मतलब लूप मटेरियल है। और रफ्तार पाजी ने तो कमाल कर दिया भाई, सही में बहुत टाइम बाद आए पर कैडे आए, राता ताता सुना था वो पबजी पबजी होता है यार, लेकिन जो असली असली ट्रैक होता है असली होता है ब्रो अपना। तो लेट्स गो मैन, आपको कैसे लगा रिएक्शन प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, और हमसे जो मिस हुआ या हमने कुछ बुरा बोल दिया हो तो प्लीज उसके लिए माफ करना, और ऑडे का मीनिंग बताना, हाँ ऑडे का मीनिंग जरूर बताना, पता नहीं क्या था वो ऑडे। बाकी आपको कैसा लगा हमारा रिएक्शन वो बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।